क्या म्यूजिशियन एआर रहमान ने मोहिनी डे की वजह से अपनी 30 साल की खुश और खुर्रम मैरिज लाइफ को ब्रेक किया है? कौन है मोहिनी डे जिन्होंने एआर रहमान की सेपरेशन के ऐलान के बाद खुद भी अपने शौहर से अलग होने का ऐलान किया? मोहिनी डे एआर रहमान की फेवरेट कहलाई जाती हैं, जो इनकी कंपोज ट्यूनिंग पर सिंगिंग भी करती रही हैं और इनके ट्रूप का हिस्सा भी हैं। क्या मोहिनी डे ही रहमान और सायरा बानो के लिए होम ब्रेकर साबित हुई हैं? सवाल कई उठ रहे हैं, क्योंकि सभी उस वक्त हक्का बक्का हो गए थे जब मंगल को ऑस्कर याफ्ता इंडियन म्यूजिशियन और सिंगर एआर रहमान ने सोशल मीडिया के जरिए शरीक सफर सायरा बानो से सेपरेशन का ऐलान किया। रहमान ने लिखा कि 30 साल एक साथ गुजारे, लेकिन ऐसा लगता है कि तमाम चीजों का एक अंजाम होता है। रहमान और सायरा बानो की शादी 1995 में हुई और उनके 3 जवान बच्चे भी हैं। सबसे बड़ी बेटी खदीजा है, उसके बाद रहीमा और फिर बेटा अमीन है। जोड़े ने फैन से प्राइवेसी की इल्तिजा की है, वहीं इनके बच्चों ने भी कुछ ऐसी ही दरख्वास्त की है। हर एक ने नेक ख्वाहिशात और जज्बात का इजहार के साथ साथ अफसोस भी किया, लेकिन उस वक्त सब हिल गए जब रहमान की सेपरेशन के चंद घंटों बाद ही इनकी ट्रूप की बेस प्लेयर और रहमान की फेवरेट मोहिनी डे ने शौहर से अलग होने का ऐलान किया। मोहिनी और उनके शौहर मार्क हार्टोस ने इंस्टाग्राम पर एक नोट शेयर किया, जिसमें लिखा कि दिल की भारी हालत के साथ मार्क और मैं ऐलान करते हैं कि हम अलहदा हो गए हैं। अब इस सेपरेशन को हर कोई मानी खेस करार दे रहा है, क्योंकि रहमान भी सायरा बानो से अलग हो चुके हैं। कहीं आने वाले दिनों में रहमान मोहिनी डे के दुल्हा बनने के लिए तैयार तो नहीं? यही सवाल बहुत अहम है। यहाँ ये भी बता दें कि मोहिनी 29 साल की हैं, जबकि रहमान 57 साल के। मोहिनी कोलकाता से ताल्लुक रखती हैं और गांस बंगला विंड ऑफ चेंज का हिस्सा हैं। उन्होंने रहमान के साथ दुनिया भर में 40 से ज्यादा शो में परफॉर्म किया है और अगस्त 2023 में इनका अपना एल्बम जारी हुआ। आने वाले दिनों में एआर रहमान की तरफ से कोई बहुत बड़ा धमाका हो सकता है।